दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में स्वर्ग के सिवा कहीं और स्वर्ग नहीं बन सकता। हाँ दोस्तों, मैं स्वर्ग तो नहीं बना सकता, लेकिन आज आपके लिए जो आपका लिए तैयार कर दिया, आपका स्वर्ग जैसा घर जो कि आपको देने वाला है पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो कि आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मखीजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी हब पर। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए फ्लैट तैयार किया है वो है बिल्कुल आपका स्वर्ग जैसा घर। जी हाँ, बिल्कुल 4 BHK फ्लैट जो कि एल कॉर्नर रहने वाला है। तो पूरा फ्लैट का व्यू जरूर दिखाऊंगा, उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा फ्रंट एलिवेशन, कार पार्किंग एरिया, जो आपकी गली रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 25 से 30 फीट का फ्रंट बिल्कुल आपको रोड मिलने वाला है। और जो मेट्रो डिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 800 से 900 मीटर जो कि नियरेस्ट मेट्रो आता है आपका द्वारका मोड़। तो दोस्तों पूरा फ्लैट दिखाऊंगा, जुड़े रहे मेरे चैनल पे बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले पॉजिटिव वाइब्स आपकी फैमिली के लिए। तो काफी खूबसूरत फ्लैट तैयार किया गया। चलते हैं सबसे पहले बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पर और कार पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा गली का व्यू। जैसे कि आपको मैंने बताया था, पूरा 25 फीट का आपको वाइड रोड मिल जाता है जो कि आपको बिल्कुल के फ्रंट साइड पर मिलने वाला है। और फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो पूरा ACP शीट के साथ आपको फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है। इलाइट एजेंसी की बिल्डिंग हमने इसमें नाम दिया है। तो चलते हैं दोस्तों फ्रंट एलिवेशन देखने वाला, चलते हैं अपने पार्किंग एरिया की तरफ। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस आ जाएगी, आप देख सकते हैं पूरा डबल आयरन गेट के साथ आपको पूरी प्रॉपर एंट्रेंस मिल जाती है। और साथ ही इधर आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा कार पार्किंग एरिया। कार पार्किंग एरिया की अगर टोटल प्लॉट की बात करूँ तो ये हमारा 230 गज का प्लॉट साइज रहने वाला है, जिसमें हमने आपके लिए जो यूनिट्स बनाए हैं आपको एक 3 BHK मिल जाता है जो कि आपको 80 स्क्वायर यार्ड के अंदर मिलने वाला है। और साथ ही इसमें 2 BHK फ्लैट और 4 BHK फ्लैट मिल रहा है। 230 गज का ये आपको प्रॉपर कार पार्किंग एरिया मिल जाता है। कार पार्किंग के अंदर जो आपको सबसे बेस्ट दिखाना चाहूँगा, 6 फीट की हाइट पे आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइल वर्क करके दे रहे हैं, जिससे आपकी बिल्डिंग में मेंटेनेंस फ्री रहने वाली है। नीचे अगर बात करूँ फ्लोरिंग की तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमने इसमें फ्लोरिंग आपके लिए लगाई है। कार पार्किंग के अंदर भी हम देख सकते हैं पूरा ACP शीट प्रोफाइल लाइट के साथ इसमें काम किया। अगर आप कल को कोई गैदरिंग करते हैं, बर्थडे फंक्शन वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आप इजीली यहाँ कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब हमारे लिफ्ट एरिया की तरफ। ये हमारा लिफ्ट सेक्शन आ जाएगा, लिफ्ट का भी काम यहाँ पर चल रहा है आप देख रहे हैं। तो पूरा आपको यहाँ लिफ्ट सेक्शन मिल जाता है, साथ ही इधर आपके सारे वाटर कनेक्शन आ जाते हैं जो कि दिल्ली जल बोर्ड का और सबमर्सिबल का पानी हम इसमें आपको 24 घंटे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने आप सैंपल फ्लैट की तरफ। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्वर्ग जैसे घर के अंदर। तो ये आपका 4 BHK फ्लैट का खूबसूरत सा लिविंग एरिया आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत हमने इसमें लिविंग एरिया तैयार कर दिया है। सबसे पहले दिखाना चाहूँगा वॉल पैनल। यहाँ आप देख सकते हैं वॉल पैनल, आप देख सकते हैं पूरा मोल्डिंग वर्क के साथ, ग्लास वर्क के साथ हमने इधर आपके लिए तैयार कर दिया है। इधर आपका 7 सीटर ऑलरेडी सोफा लगा हुआ है, आप देख सकते काफ़ी मतलब अच्छी खासी स्पेस आपको इसमें मिलने वाली है। यहाँ पर आपका सेंटर टेबल आ जाएगा। बात करें अगर इसके फॉल सीलिंग डिज़ाइन की तो बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है, साथ ही इसमें आपका प्रोफाइल वर्क मिल जाता है। ठीक सोफे के फ्रंट साइड में आपका आ जाता है जो कि रहने वाला है आपका मंदिर स्पेस, जिसमें श्री कृष्ण जी यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। तो आपको इस तरीके से अपना मंदिर स्थान बना सकते हैं। इधर आपका आ जाता है LED पैनल जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत हमने इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दिया, काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपके लिए LED पैनल तैयार कर दिया। इधर ही आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए हमने जो बना दिया इधर डाइनिंग का स्पेस, जो आप देख सकते पूरा 4 सीटर आपको यहाँ डाइनिंग टेबल मिल जाता है। तो साथ ही चलते हैं दोस्तों अब इसके किचन एरिया की तरफ, जो कि आपका रहने वाला पूरा यू शेप के अंदर मॉड्यूलर किचन। जी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा मॉड्यूलर किचन तैयार कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा ग्लास वर्क के साथ प्रॉपर मिलने वाला है, जिसमें आप अपने डेली यूज के कंटेनर्स वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। इधर भी आपका मिल जाता है आपको RO का प्रोविज़न, यहाँ पर आप अपना RO वगैरह लगा सकते हैं। अगर इसकी सैनिटरी की बात करूँ तो पूरी जैगवार की आपको बाथ फिटिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं पूरा ब्रांडेड इसमें हमने काम किया है। इधर आपका जैगवार की बाथ फिटिंग आ जाती है। इधर सेपरेट इधर आ जाता है आपका इधर रेफ्रिजरेटर एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज के अंदर हमने रेफ्रिजरेटर वगैरह लगाया हुआ है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है माइक्रोवेव का स्पेस, यहाँ देख सकते हैं पूरा माइक्रोवेव का आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। वेंटिलेशन की बात करूँ तो चिमनी हरियाणा की इसमें ब्रांडेड लगा कर दे रहे हैं। और ऊपर फॉल सीलिंग के अंदर भी किचन के अंदर आपको पूरा प्रोफाइल लाइट्स वर्क मिल जाता है। तो दोस्तों अब दिखाना चाहूँगा इसका कॉमन वॉशरूम एरिया। तो ये आ जाए हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि आप देखते हैं पूरा सेंसर लाइट वर्क के साथ इसमें इसको हमने तैयार किया। जैसे आप एंट्री करते हैं तो लाइट्स आपकी ऑन हो जाएंगी, और अगर आप बाहर एग्जिट करते हैं तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। और पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स कवर कर दिया है। इधर आपका देख सकते हैं पूरा गीजर का प्रोविजन दिया हुआ है। इधर आपका शॉवर लगा हुआ है डाइवर्टर के साथ, पूरा आपको जैगवार के पूरे यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग मिल जाती है। इधर आपकी वेस्टर्न शीट आ जाती है, और ये आ जाता है आपका वॉश बेसिन एरिया।
तो दोस्तों नीचे भी आप देखते पूरा टाइल वर्क इसमें हमने किया हुआ है और वॉशरूम के अंदर भी हमने काम की कोई कमी नहीं छोड़ी। डोर भी आपको प्रॉपर वुडन के ही मिलने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी स्पेसेस आपको बेडरूम मिलने वाला है जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खूबसूरत इंटीरियर हमने इसमें तैयार किया हुआ है। 6x6 का इसमें ऑलरेडी बेड लगा हुआ है। इधर आपका वार्डरोब सेक्शन आ जाता है। वॉल पे भी आप देख सकते हैं पूरा 3D वॉलपेपर के साथ आपको ये कस्टमाइज करके दे रहे हैं। ऊपर फॉल सीलिंग की बात करूँ तो डिफरेंट डिजाइन के साथ आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है। इधर साथ में फ्रंट साइड में आ जाता है आपका पूरा खूबसूरत सा LED पैनल जो कि रोज ग्लास वर्क के साथ आपको मिलने वाला है। और साथ में इस रूम में आपको मिलने वाला है ड्रेसिंग एरिया जो कि आप सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा ग्लास वर्क के साथ इधर आपका ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अब इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की अगर बात करूँ तो ये आपको मिलने वाला है बालकनी अटैच जो कि आपके बच्चों के लिए रहने वाला है जिसमें स्टडी टेबल्स वगैरह हम इसमें आपको लगा कर दे रहे हैं। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिल जाता है जो कि डिफरेंट लुक के साथ मिलने वाला है। पीछे वॉल पे भी आप देखते हैं पूरा कस्टमाइज वॉलपेपर इसमें हमने लगा कर दे रहे हैं। इधर आपको डबल स्लाइडिंग के साथ वार्डरोब मिल जाती है और साथ में मिल जाता है आपका ये स्टडी टेबल। अगर वेंटिलेशन की बात करूँ तो विंडो साइड से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाती है जिसमें आप यहाँ पर अपना विंडो AC वगैरह लगा सकते हैं। बालकनी की अगर बात करूँ तो दो रूम से आपको बालकनी मिलने वाली है जो कि एलकोनर रहने वाला हमारा ये फ्लैट। तो अभी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सी एलकोनर आपको पूरी बालकनी मिल जाती है। बालकनी भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस रहने वाली है। हैवी स्टेनलेस की और टफन ग्लास के साथ आपको प्रॉपर रेलिंग्स वगैरह लगा कर दे रहे हैं। इधर टैप सेक्शन दे रखा है जिसमें आप अपना वॉशिंग वगैरह मशीन वगैरह लगा सकते हैं। दोस्तों ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था दो बेडरूम आपको बालकनी के साथ मिलने वाला था। ये आपका थर्ड बेडरूम है जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ हमने इसका जो वॉल पैनल तैयार किया है काफ़ी खूबसूरत वर्क के साथ आपको ये मिलने वाला है। ऊपर डिफरेंट डिजाइन में फॉल सीलिंग मिल जाती है। 6x6 के ऑलरेडी बेड लगे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। बात करें अगर इसकी वेंटिलेशन की तो विंडो साइड से डबल विंडो आपको मिलने वाली है जहाँ पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाता है। यहाँ से आप अपना विंडो AC वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इसके सेकंड बालकनी की तरफ। मतलब बालकनी वही रहने वाली है लेकिन एंट्रेंस आपकी दो रूम से रहने वाली है तो ये हमारी फिर वही बालकनी स्पेस आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये हमारा फोर्थ बेडरूम आ जाएगा जो कि आपका रहने वाला है मास्टर बेडरूम। जी हाँ आप देख सकते हैं ये वाला बेडरूम भी काफ़ी आपको स्पेसेस मिलने वाला है। 6x6 का बेड लगा और दोनों साइड आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा कबर्ड जो कि आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर वार्डरोब आपको मिलने वाला है। ऊपर आपका लगेज सेक्शन आ जाएगा जो कि प्रोफाइल लाइट के साथ मिलने वाला है। तो साथ ही इधर अगर बात करें इसके विंडो वेंटिलेशन की तो यहाँ पीछे आपको विंडो मिल जाते हैं जिसमें आप अपना विंडो AC वगैरह लगा सकते हैं। यानी कि आपको हर रूम आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ मिलने वाला है। और साथ अगर जैसे हम बात करें इसके अटैच वॉशरूम की तो वॉशरूम का साइज आप देखें यहाँ मास्टर बेडरूम के अंदर जो अटैच वॉशरूम भी मिलने वाला है वो भी आपको काफ़ी स्पेसेस मिलने वाला है। पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स कवर किया हुआ है। इधर आपका शॉवर का प्रोविजन आ जाता है। कन्वर्टर के साथ आपको पूरी बाथ फिटिंग मिलने वाली है। वेस्टर्न शेड इसमें लगी हुई है और साथ में इधर आ जाता है आपका वॉश बेसिन एरिया। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत फ्लैट आपके लिए तैयार किया है। तो दोस्तों बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये 4BHK फ्लैट मिलने वाला है। मतलब जिसके अंदर हमने हर चीज़ की आपको फैसिलिटीज़ दी है जिसमें आपका डाइनिंग का स्पेस आ जाता है। एलकोनर आपको सोफा मिलने वाला है। नियरेस्ट मेट्रो मिलने वाला है। मतलब हर एक फैसिलिटीज़ के साथ आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। तो फ्लैट का जैसे कि मैंने हर बारी प्राइस आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ संदीप मखीजा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।